टाइम हुआ करता था दोस्तों, जब MIM के जो नेता है वो कई कई महीनों के बाद आपको चुनावी सभा करते हुए नज़र आते थे। लेकिन आज वो टाइम आ गया है जब MIM के बड़े बड़े दिग्गज जो है एक ही समय में, एक ही टाइम, अलग अलग राज्यों में जो है वो चुनावी सभा करते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसे कि असद साहब मुंबई के अंदर सभा करेंगे, जैसे कि उन्होंने कल जो है मेरठ के अंदर सभा किया था, जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो औरंगाबाद के अंदर चुनावी सभा के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलन हुआ, बहुत सारे लोगों के बीच में उन्होंने सभाएं की। इसी तरीके से वारिस पठान साहब जो है वो गुजरात जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर सभा करते हैं, वहाँ पर दारुसलाम का इफ्तिताह करते हैं, यानी दारुसलाम का ओपनिंग होती है ऑफिस का। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये MIM की मकबूलियत है। अब आप नंबरों में तलाश करेंगे कि नंबर ज़्यादा होना चाहिए, सीट ज़्यादा जीते हुए होना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो चुनाव होने वाला है नवंबर के अंदर। अब से ज़्यादा दिन बचा नहीं है, नवंबर 3-4 दिन के बाद जो है वो महीना ख़त्म हो जाएगा ये, और उसके बाद जो है इसी वहाँ पर जो है चुनावी सभा होने लगेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वारिस पठान साहब गुजरात जाते हैं, गुजरात के अंदर अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होना है, और MIM की बहुत बड़ी जो है वहाँ पर एक उम्मीद लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा वार्ड चुनाव में प्रदर्शन जो किया था, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही जो है इसी महीने में जो है वहाँ पर उपचुनाव भी हुआ और वो भी MIM ने जीत हासिल कर ली, तो इससे उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। गुजरात के अंदर भी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बार बार लगातार कर ही रहे हैं असद साहब दौरा, कल भी जैसे कि उन्होंने मेरठ के अंदर सभा था, इसी के साथ 27 तारीख को उनका सभा होना है, फिर 31 तारीख को सभा होना है। खैर, कुल मिलाकर जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों MIM के लिए, जो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि MIM के जो लीडर है, MIM के जो दिग्गज है, वो चैन से नहीं बैठ रहे हैं, वो सुकून से नहीं बैठ रहे हैं। आज उनकी यहाँ सभा है तो कल उनका फिर कहीं और पर जो सभा है, फिर उनके बाद कहीं और पर लोगों से मिलते हैं, उसके बाद कहीं और पर जो है लोगों की खिदमत करते हैं। तो खैर, कुल मिलाकर ये MIM की मकबूलियत नहीं है तो क्या है, आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में इनके बारे में कि MIM कितने मकबूल होंगे आने वाले दिनों के अंदर, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।